एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां एक प्यारी बच्ची नामक लड़की रहती थी। उसका नाम स्वर्णिमा था। स्वर्णिमा के पिता एक मजदूर थे और माँ एक घरेलू कामकाजी। एक दिन स्वर्णिमा ने गांव के निकट झील में सुंदर स्वर्ण हंस देखा। वह हंस न केवल सुंदर दिखता था बल्कि उसकी चमकीली पंखों के रंग भी स्वर्गीय थे। स्वर्णिमा उसे देखकर हैरान रह गई। उसने घर लौटकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने उसे सुनते हुए कहा, बेटा, जितना तुम इस हंस के पीछे भागोगी वह उतना ही दूर होता जाएगा। वास्तव में सोने का हंस सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों की खोज में है। स्वर्णिमा ने अपनी माँ की बात मानी और अब उसने अपने अच्छे कर्मों में अधिक ध्यान देना शुरू किया। उसने गांव की सफाई का ध्यान दिया, गरीबों की मदद की और पड़ोसी की मदद की। कुछ ही समय बाद स्वर्णिमा की संघर्षों और उसके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह ने सोने के हंस को फिर से झील में देखा। लेकिन इस बार हंस उसे बुला रहा था। जैसे ही स्वर्णिमा उसके पास गई, हंस एक संदेश देने के लिए बोला, कर्मों की वजह से तुम्हें इस स्वर्ण हंस का उपहार मिलता है, इसे ध्यान से रखना। स्वर्णिमा ने हंस को पकड़ लिया और घर ले गई। वहाँ वह उसे खाना और प्यार से पाला। स्वर्ण हंस उसके साथ हमेशा रहता था और स्वर्णिमा की जिंदगी को सुखी और आनंदमय बनाता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं।